नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिया वेज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ये बिल्कुल अलग सा कुछ, यानी कि साबूदाना वड़ा बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही चटपटा, बहुत ही सॉफ्ट भी है, क्रिस्प भी है, चटपटा भी है, दही है इस पे, सारा कुछ इस तरह से बिल्कुल। देखिए तो देख करके आपको मुँह में तो पानी आ ही रहा होगा। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर तो आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये दो ब्रेड और ये थोड़ा धनिया की पत्ती है और ये हरी मिर्च है, ये प्याज है, एक बड़ा प्याज कट करके हमने रख लिया है, और ये मिक्स मसाला है, धनिया, जीरा, हल्दी और मिर्ची पाउडर, ये सब कुछ हमने मिक्स कर लिया है। और ये है लहसुन, और यहाँ ये है अदरक, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, और यहाँ ये है साबूदाना। ये साबूदाना हमने भिंगो कर रात भर सोख करके रख लिया है। और ये मैश्ड पोटैटो है, इसको भी हमने सेम क्वांटिटी में, आलू और ये साबूदाना बिल्कुल सेम क्वांटिटी में रखेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम पैन चढ़ा देते हैं इसमें तेल गरम करने के लिए, और उसके बाद इस मिक्सचर को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ब्रेड तोड़ लेंगे। ब्रेड को तोड़ लेंगे, ब्रेड को ऐसे तोड़ के डाल लेंगे। उसके बाद ये साबूदाना भी इसमें डाल देंगे, और ये मैश पोटैटो इसको भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये मिक्स मसाला पाउडर दो छोटे चम्मच, और ये हरी मिर्च, ये भी तीन हरी मिर्च हमने काट करके रख लिया है बिल्कुल बारीक। अब डालेंगे इसमें हम ये प्याज, एक प्याज जो हमने कट करके रखा हुआ था, और इसके बाद ये हरा धनिया, हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा कट करके रखेंगे, और ये अदरक, और ये लहसुन, ये कसूरी मेथी, इन सबको अब हम मिला लेंगे। अब ये हमारा मिक्सचर एक सार हो चुका है। नमक मिलाने के बाद ही डालें, क्योंकि उस तरह से जब तक सब मिलाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा कि ये कितने क्वांटिटी में है। मिलाने के बाद ये देखिए इतना कम हो गया, नहीं तो उस तरह से पूरा बोल भरा हुआ था। इसलिए सबको पहले मिला लें, उसके बाद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे इतना आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। इसको मिला लेंगे। हमारा मिल गया है। अब हम इसके छोटे छोटे वड़े बना लेंगे। हाथ पे तेल लगा से हम बना लेंगे, छोटे छोटे ही बनाएंगे, और यहाँ पे उसमें डालते जाएंगे सारे वड़ों को। हम इस तरह से बनाते जाएंगे, और जब भी हम ये बनाएं बड़ा तो देख इसको फटे नहीं, किनारों को ज़रूर देख लें, और इस तरह से बना बना कर और डालते जाएं। एक एक करके पलट लेंगे इसको, बहुत सावधानी से पलटना होता है। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब
हम इसको निकाल लेंगे। ये हम इस तरह से इन वड़ों को सजा लेंगे। सर्व करने से पहले हम दही और ये मीठी चटनी हम यूज़ कर रहे हैं, मीठी चटनी, इमली का चटनी है ये। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ये जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर है, इस पर से डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। और इसके बाद हम डालेंगे ये बीकाजी का भुजिया या कोई भी प्लेन इस तरह का भुजिया आपको अगर मार्केट में से चाहें तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऐसे हम ये बीकाजी का भुजिया ही यूज़ कर रहे हैं। तो बन गया ये हमारा साबूदाना वड़ा। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत चटपटा। और जब भी कुछ इस तरह का खाने का मन हो तो ये खट्टा भी है, चटपटा, बहुत यमी यमी। तो चलिए, अगर आपको ये हमारी डिश पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं फिर एक अगली रेसिपी के साथ।